हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टी, मतलब राजस्थान में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं उनके बारे में, और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि हमें राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, हमें एक बार मतलब इतना मतलब याद हो जाए, वो बेसिक उसका तैयार हो जाए। तो राजस्थान का बेसिक, राजस्थान की ज्योग्राफी का बेसिक याद करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान के जो मानचित्र है या फिर जो मैप है उसको अपने दिमाग में एकदम से मतलब बिठा लेना चाहिए। एक बार मतलब स्टार्टिंग में वो ऐसे बिठा लेना चाहिए कि ये ज़िले यहाँ यहाँ पर हैं और इस तरह से राजस्थान का जो मैप है वो है, ये ज़िले मतलब गंगानगर ऊपर की तरफ है, डूंगरपुर कहाँ है, बांसवाड़ा कहाँ पर है, बीकानेर, ये सब मतलब ऐसे आपके दिमाग में ऐसे होना चाहिए कि ये ज़िले है कहाँ पर। स्टार्टिंग में आपको ऐसे लगेगा यार ये इतना मुश्किल है, लेकिन आप अगर एक बार इनको याद कर लोगे तो फिर आपको एकदम मतलब ज्योग्राफी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्योग्राफी का मतलब जो बेस बेस कहते हैं ना बेस, वो राजस्थान का मैप है। और आप कुछ भी पढ़ोगे ज्योग्राफी में, चाहे नदियाँ पढ़ो, चाहे मृदा पढ़ो, चाहे खनिज पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, तो आपको मतलब अगर वो मैप याद होगा तो उन्हें आपको याद करने में बहुत ही कम समय भी लगेगा और जो आपका दिमाग भी कम खर्च होगा उसमें, मतलब आपके जगह याद होगी तो अपने आप आपको सब याद हो जाएगी। हाँ, ये इस तरह से है और इस तरह से याद रखना है। राजस्थान के मैप में कुछ है भी नहीं कुछ ज़्यादा, मतलब सिंपल सा मैप है। एक बार आप स्टार्टिंग में जो रहेगा फिर कुछ नहीं है, मतलब फिर आपको ऐसे सिंपल आपके दिमाग में ऐसे छप जाएगा कि हाँ सीकर कहाँ पे है, जोधपुर कहाँ पे है, पाली कहाँ पे है, ये जो अपने होते हैं कोटा वगैरह, ये किस तरह पढ़ते हैं, एकदम से याद हो जाएंगे वो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में जो मिट्टी है उनके बारे में। तो राजस्थान में सबसे पहले हम देख लेते हैं किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सब राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में यहीं से क्रमवाइज देख लेते हैं, उसके बाद में लाल, उसके बाद में भूरी व रेतीली मृदा पाई जाती है। कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। दोमट मिट्टी में लाल और पीली मृदा, ये इधर डूंगरपुर साइड में कौन सी मृदा है, लाल लोमी मृदा है, और इधर जो बांसवाड़ा है इस साइड में, बारा और झालावाड़ की साइड में, बांसवाड़ा तो इधर रह गया, ये बारा और झालावाड़ की साइड में मध्यकाली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और इस तरफ जालोर की साइड कौन सी है, लवणीय मृदा पाई जाती है। तो बेसिक तौर पर आपको मतलब ये कौन कौन सी मृदा है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है उनमें से, उनमें से आप ये याद रखेंगे कि रेतीली मृदा किधर पाई जाती है, जो भूरी रेतीली मृदा है वह कहाँ पे पाई जाती है, लाल पीली मृदा, कछारी मृदा को मैंने बताया, जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, और मध्यकाली मृदा या फिर काली मृदा, डायरेक्टली कभी कभी ऐसी पूछेगा काली मृदा या फिर मध्यकाली मृदा, और लाल मृदा ये किस तरफ पाई जाती है। तो ऐसे बेसिक तौर पर आप मतलब दिमाग में ऐसे याद रखो कि जो रेतीली मृदा है वह पश्चिम की तरफ पाई जाती है, लाल लोमी मृदा होगी वह किस तरफ पाई जा रही है, वह दक्षिण की तरफ पाई जा रही है, और जो मध्यकाली मृदा है यह अपने जो झालावाड़ साइड है या फिर जो हड़ौती का पठार है उसमें मध्यकाली मृदा पाई जा रही है, और जो पूर्व का पठार है उसमें अपने जलोढ़ मृदा या फिर कछारी मृदा पाई जा रही है, ठीक है। तो मतलब ऐसे बेसिक रूप से ऐसे मतलब आपको पता भी ना हो, चार ऑप्शन ऐसे मतलब मान लिया आप ऐसे मतलब कि आपसे पूछ लिया कि रेतीली मृदा किधर पाई जाती है, और एक तीन तो इनके ऑप्शन दे दिए और एक इधर से दे दिया और पूछ लिया कि किन में नहीं पाए जाते, तो ऐसे मतलब थोड़ा वो ध्यान में रहेगा, तो आप बता दो कि पश्चिमी रेतीली मृदा पाई जाती है, और जो झालावाड़ मान लो ऑप्शन में झालावाड़, तो ये अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि झालावाड़ में रेतीली मृदा नहीं पाई जाती है। ऐसे बेसिक तौर पर याद रखना, पर बेसिक तौर पर बहुत मतलब आजकल कम क्वेश्चन पूछने जाने लगे, एग्जामिनर बहुत ही तेज़ हो चुके हैं, तो बेसिक मतलब फिर भी बेसिक पर थोड़ा सा तैयार रखना। अब हम चाहेंगे कि घर में मतलब कौन कौन से ज़िले में और किस प्रकार से, तो आपको पता है रेतीली मृदा पश्चिम में, और ये भूरी पीली भूरी और रेतीली मृदा है ये अपने झुंझुनू सीकर साइड में भूरी मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा ये जो अरावली का जो हिस्सा है ना उस साइड में लाल पीली मृदा है, पश्चिम में डूंगरपुर और इधर उधर कौन सी लाल लोमी मृदा या फिर लाल मृदा इधर पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है हड़ौती के पठार में, और जो नदियाँ वगैरह वगैरह ये जो बहती हैं वो किधर बहती हैं, पूर्व की तरफ बहती हैं, तो इस तरफ ये कौन सी होगी अपनी कछारी मृदा या फिर जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेतीली मृदा, रेतीली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो रेतीली मृदा आपको दिखाई दे रही है गंगानगर, डूंगरपुर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर और जैसलमेर, मतलब जो पश्चिमी क्षेत्र है अपने राजस्थान का उसमें रेतीली मृदा पाई जाती है। और आपको बताया मरुस्थली मरुस्थला उस तरफ तो रेतीली मृदा ही ऑफिसली वहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है। लवणीय मृदा, लवणीय मृदा सिर्फ जालौर की तरफ और पाली का कुछ भाग है लवणीय मृदा में, और बाड़मेर का कुछ भाग है, ठीक है। इतना नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये जो हमारी लवणीय मृदा कहाँ होगी, जहाँ पर जिले पाए जाते हैं उसके पास लवणीय मृदा पाई जाती है। तो आगे हमारी है भूरी और रेतीली मृदा, यानी भूरी और रेतीली मृदा
ये झुंझुनू की साइड में, मैं झुंझुनू से हूँ तो मेरे को पता है कि इधर क्या पाई जाती है, भूरी और रेतीली मृदा पाई जाती है। तो ये झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, पाली का भी कुछ भाग में, पाली के रेतीली मृदा पाई जाती, कुछ भाग में लाल पीली मृदा पाई जाती है पाली के, और कुछ भाग में भूरी रेतीली मृदा, लेकिन मतलब ऊपर ऊपर से भूरी और रेतीली मृदा में पाया जाता है क्या, पाली। ठीक है, तो अपनी जो भूरी मृदा किधर हो गई, सीकर, झुंझुनू, नागौर और अजमेर का भी कुछ पार्ट है इसमें, और पाली। ठीक है, ये इस वाला ये भाग हुआ रेतीली भूरी मृदा वाला। आगे आगे हम पढ़ेंगे ये लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा ऐसे याद रखना नीचे वाले साइड में है, ये उदयपुर, डूंगरपुर और ये पूरा ही है। ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, ये चार याद रखना। और लाल काली मृदा में याद रखो तो काली मिट्टी में अपना झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी तक याद रखना। ठीक है ना, और अभी हम देखेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा है फिर कछारी मृदा, तो कछारी मृदा पाई जाती है करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, जयपुर में भूरी मृदा भी पाई जा सकती है और कछारी मृदा मिक्स होता है यहाँ पे, ऐसे ऑप्शन आते हैं। और लाल पीली मृदा किधर पाई जाएगी, लाल पीली मृदा पाई जाती है राजसमंद में, भीलवाड़ा में, जो ये लूनी लूनी बेसिन होता है ना वहाँ पे लाल पीली मृदा पाई जाती है, और चंबल बेसिन में काली काली या फिर ये जो जलोढ़ मृदा ये पाई जाती है। लाल पीली मृदा मैंने बता दिया लूनी में, नहीं लाल पीली मृदा लूनी में नहीं पाई जाती, सॉरी वो मैंने गलत बता दिया। लाल पीली मृदा सवाईमाधोपुरी, भीलवाड़ा, टोंक, इधर से कौन सी नदी निकलती है, बनास बेसिन। ठीक है, और ये जो भूरी है यहाँ से लूनी बेसिन, तो इधर से है ना अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी बेसिन, इधर से होगा। लेकिन ये पूछा जाता है कई बार कि बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है,